हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है ना, मैं आपके साथ दिन भर का रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि आज हस्बैंड की भी छुट्टी है और बच्चों की तो छुट्टियाँ ही चल रही है। तो आज दिन भर में हम क्या क्या करेंगे ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हस्बैंड गए थे मार्केट, और मार्केट से भाजी लेकर आए और साथ में डोसे का बैटर भी लेकर आए। और वो भाजी है ना, हस्बैंड की फेवरेट है, तो जब भी मिलती है तो लेकर ही आते हैं। तो हस्बैंड की भी आज छुट्टी थी ना, इसलिए मैं थोड़ा लेट तक सोई थी। जब भी बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो भी मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बना के उनको खिला कर फिर ऑफिस भेजना पड़ता है। तो आज उनकी भी छुट्टी थी, तो मैं भी थोड़ा आराम से सोते रही, तो इसलिए मैं फिर कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पाई नाश्ते की। नहीं तो फिर मैं ऐसे करके रखती हूँ कुछ ना कुछ बनाने के लिए, तो इसलिए वो झटपट लेकर आ गए जाकर। और अभी ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो भाजी तोड़ने के लिए बैठ गए, टाइम पास कर रहे हैं। पर वो सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उनको आदत सी है, बच्चों को भी आदत है जल्दी नाश्ता करने की, क्योंकि रोज़ ऑफिस जाते वक्त वो करके जाते हैं ना, और बच्चे भी स्कूल जाते वक्त जल्दी नाश्ता करते हैं, इसलिए उनकी ना एक आदत सी बन गई है सुबह जल्दी नाश्ता करने की। पर आज लेट हो चुका है, तो बच्चे और हस्बैंड उन लोग सब लोग ने नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर ली। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि छोटे मोटे जो काम है उसे निपटा लूँगी। तो यहाँ पे ये कंटेनर है ना, मेरे पास बहुत दिनों से रखा हुआ था, पर अभी मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हो गई है और कंटेनर हो चुके हैं कम, इसलिए मैंने ये कंटेनर निकाल ली। अभी इसमें सारे दाल वगैरह ना मैं फिल कर लूँगी। और इसमें ना तीन पार्टीशन है, एक ही कंटेनर है पर तीन पार्टीशन है, तो अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग चीज़ें बैठ जाती हैं, और इसे यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत टाइम से लेकर रखी थी पर यूज़ नहीं कर रही थी, अभी इसे निकाली हूँ। अभी दूसरा जो कंटेनर है ना, उसमें मैं पापड़ रखूँगी, क्योंकि मैं जब भी पापड़ रखती थी तो मुझे ऐसे तोड़ कर रखना पड़ता था, पर अभी इस वाले कंटेनर में ऐसे अखाई बैठ जाता है। तो अभी आटा और चावल भी मुझे फिल करना है, तो पहले डब्बे को मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, और फिर उसके बाद आटा और चावल भी भर लूँगी। तो बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दी है घर पे करने के लिए। तो वही सासू माँ जो है, उनको रोज़ सुबह 2 से 3 घंटे लेकर बैठते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ रहे थे वहाँ पे और फिर बार बार मेरे पास भी आ रहे थे। तो यहाँ पे ना सारा राशन वगैरह मैंने फिल कर ली थी, और कपड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा धोने थे, तो अभी मैंने सारे कपड़े धो दी, अभी आ गई हूँ गैलरी में, इसे सुखा दूंगी। तो रोज़ है ना, मैं अलग अलग कपड़े धोती हूँ, एक दिन हमारे धोती हूँ तो एक दिन हस्बैंड के धोती हूँ, तो आज सभी के कपड़े धो दी साथ ही में। पहले तो हमारे धोई, फिर उसके बाद हस्बैंड के धोई, सबके अलग अलग धोकर सुखा दी हूँ। फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी लेट सबने नाश्ता किया है तो किसी को भूख नहीं है, तो मैं अभी लंच तो नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट है ना शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन रोल बनाने वाली हूँ, तो उसी की तैयारी चल रही है। पहले मुझे आटा गूंद कर रखना है, तो 2 कप मैंने यहाँ पे आटा ले ली, और उसके बाद उसमें 1.5 टीस्पून मैंने ईस्ट ऐड करी हूँ, ड्राई ईस्ट, और उसके बाद 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करी, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करी, और पानी है ना हल्का गुनगुना करके रख दी थी। अभी ना इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और है ना नमक डालना भूल गई थी, फिर नमक भी ऐड कर दी, और फिर अभी इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंदते जाएंगे, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसे गूंद लेंगे। और फिर इसमें ना थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, और फिर से इसे अच्छे से गूंद लेंगे, जब तक आटा एकदम मुलायम और सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे हमें गूंदना है। इसमें ना आटा ऐसा फटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, अच्छा सा मुलायम सा आटा हो जाना चाहिए, उस तरीके से हमें इसे गूंदना है। तो आटा अच्छे से गूंद के हो चुका था, अभी मैं आपको करके बता रही हूँ, ये फटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अभी इसको ना अच्छे से हम इकट्ठा करके रख देंगे फूलने के लिए, तो अभी हमें ना इसे 1.5 घंटा फूलने के लिए छोड़ देना है। तो इसे ना मैंने गर्म जगह पे रख दी थी। अभी चिकन रोल बना रही हूँ, उसके लिए मुझे बोनलेस चिकन चाहिए, तो उसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके रख रही हूँ। तो ये जो मैं चिकन रोल बना रही हूँ ना, तो मैं किसी के वीडियो में देखी थी, उन्होंने वेज रोल बनाए थे, लेकिन मैं इससे चिकन रोल में बना रही हूँ, और उन्होंने ना मैदे के आटे से बनाए थे, मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैदा है ना हमारे घर में बहुत कम खाया जा रहा है, इसलिए अभी मैं कम
मैदे का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अभी गेहूं के आटे से आटे को गूंद के रखी हूँ। अभी चिकन को ना थोड़ा मैरिनेट कर लेंगे, तो उसमें रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, सोया सॉस, विनेगर, वो सब मैंने ऐड करी। अभी इसे अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये सब करते करते ना मुझे शाम ही हो जाएगी, क्योंकि हमें सबको टाइम देना है इसलिए। तो अभी जो मनी प्लांट मैं लेकर आई थी, मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करते रहती हूँ, तो अभी इसका है ना पानी चेंज करना है। इसे 2 से 3 दिन हो चुके हैं और ये ना इसमें परफेक्ट है, बैठ नहीं रहा था, इसलिए ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे मैंने कट कर ली थी इस तरीके से, और फिर इसमें मैंने पानी भर ली और फिर रखी, तो ये परफेक्ट इसमें बैठ रहा था और अच्छा भी लग रहा था, तो इसलिए इस तरीके से अभी मैं इसे रखूँगी। तो चिकन मैरिनेट करके बहुत टाइम हो चुका है, तो अभी ना उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन में पानी रहता है ना, तो अभी उस पानी को हमें सुखा लेना है। तो मैंने एक पैन चढ़ा दी, उस पे मैंने थोड़ा सा तेल ऐड करी, अभी चिकन को भी ऐड कर दी। अभी ये ना इसको हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है बस इसका पानी सूखने तक। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा है, तो बीच बीच में इसे मिलाते जाएंगे और इसका पूरा पानी सूखने तक हमें इसे फ्राई करना है। और फिर मुझे ना मियोनीस चाहिए था, तो मैंने हस्बैंड को घर में ही मियोनीस बनाने के लिए बोल दी थी, तो वही बना रहे थे। तो जब भी मुझे मियोनीस चाहिए होता है मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ, हस्बैंड बना लेते हैं। अभी है ना एक सॉस बना लेंगे हम, जिसमें हमें चिकन को मैरिनेट करना है फिर से। तो यहाँ पे रेड चिल्ली सॉस ले ली थी मैंने, और होममेड केचप, और फिर मैगी मसाला, और जो मियोनीस बना के रखे थे उसे ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो हमने चिकन को फ्राई करके रखे थे उसे भी ऐड कर देंगे। और आपको जितना तीखा चाहिए, जितना फीका चाहिए, उस हिसाब से आप इसे बना लेना सॉस को। पहले चिकन अच्छे से इसमें मैरिनेट हो चुका है सॉस के साथ, अभी इसे साइड में रख देंगे। अभी आटे को चेक कर लेंगे आटा फूला या नहीं, तो आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो थोड़ा सा ना हाथों में बटर लगा ली थी, अभी इसे हल्के हाथों से निकाल के साइड में रख लेंगे। तो आटे को ना हमें एकदम जोर दे के गूंदना नहीं है, बस हल्के से हमें इसे एकजुट कर लेना है और ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। तो इसमें ना 6 पीसेस बने थे, तो अभी इस में ना सब पीसेस को हमें एक जैसा रखना है क्वांटिटी इसका, तो इसीलिए मैं छोटा बड़ा देख रही थी। तो जो छोटा था उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करके अभी इसका गोला बना के साइड में रख देंगे और एक गोला ले लेंगे। अभी ना इसको हमें बेलना है, तो आपको जो शेप में इसे बनाना है उस शेप में आप बना सकते हो। तो ना मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ घर में, कुछ भी बनाने का, उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, इसलिए फिर कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ, ट्राई करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पास्ता सॉस, पास्ता पिज्ज़ा सॉस है ये, उसे ले ली और रोटी पे अप्लाई कर ली, और उसके बाद मैं इसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखे थे उसे रख दी और ऊपर से चीज़ ऐड कर दी। और है ना अभी साइड का पोर्शन को थोड़ा सा हम खींच लेंगे, मतलब जब भी हम इसे ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाना चाहिए। और ऊपर की तरफ है ना मैंने इसे छोटे छोटे स्कर्ट लगा ली हूँ, और ये ना इसको पूरे मिडल में नहीं रखना है, थोड़ा नीचे ही रखना है। और इसका है ना 2 रोल हमें बना लेना है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। और जो जो कट लगा के रखे थे ना उसका एक एक लेयर लेते जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ चिपकाते जाएंगे। टाइम लगता है पर बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं ना सुबह से ली थी बनाने के लिए और मुझे शाम हो गई बनाते बनाते। तो कुछ अच्छा खाना हो तो टाइम तो लगाना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। तो मेरा ओटीजी है ना छोटा है, इसलिए मैंने पहले 3 बना ली, इसमें 3 ही बैठेंगे इसलिए पहले 3 बना ली। अभी जो पिघला हुआ बटर होता है ना उससे
अप्लाई कर रही हूँ ब्रेड के ऊपर, सॉरी रोल के ऊपर, ब्रेड भी कह सकते हैं रोल भी कह सकते हैं। अभी इसमें तिल लगा लेंगे, तो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा तिल लगा ले रही हूँ। अब ओटी जी को है ना 20 मिनट के लिए मैंने प्रीहीट कर ली थी, अभी इससे हम ओटी जी में रख देंगे। अभी इसे 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, क्योंकि ये ओटी जी छोटा है तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ही लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, तो हमारा रोल जो है बन के रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो पिघला हुआ मैंने बटर रखी थी फिर से इस पर लगा लेंगे। और ये रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो मेरे पास है ना आटा और भी बच गया था, तो मैंने उससे पिज़्ज़ा बना ली थी। तो जो मैरिनेशन मैंने जैसे उसमें यूज़ की थी, बस वैसे ही मैंने इसके पिज़्ज़ा ब्रेड होता है उसके ऊपर भी अप्लाई कर दी। इसमें टमाटा कांदा भी ऐड करी और चीज़ ऐड करी, तो ये हमारा पिज़्ज़ा भी बन चुका था और ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अभी शाम का वक्त है और अभी सबको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हस्बैंड ने बोले कि चलो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते, उनके साथ थोड़े बहुत गेम खेलते। तो ये लूडो का जो मैट होता है ना, ये हस्बैंड ने अभी अभी ऑनलाइन मंगाए थे, क्योंकि रूबेन डैनियल थोड़ा बहुत खेलेंगे सीखेंगे इसलिए। तो हम सब है ना, सासू माँ, मैं, बच्चे, हस्बैंड सब बैठ गए थे खेलने के लिए, तो अभी हम खेल रहे हैं। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। नहीं, तू अभी थोड़ा उधर सारे